हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन सो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल पे तो so, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी जियोलॉजी तो so, आप लोग के जो भी डाउट हो आप लाइव आके पूछ सकते हैं हमसे ठीक है तो so, हम लोग कर रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी मेरी आवाज आ रही है चलिए तो so, अब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्री के अंदर थोड़ा चीज़ें तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे ऑलरेडी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं उसी को मैं रिवाइज़ करा दूंगा थोड़ा सा क्योंकि हमने जब थिंकर्स जो वो सब जो जोग्राफिस थे हमारे उनका बारे में जब जान रहे थे तभी हमने ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली थी जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ठीक है चलिए एक बार पेज ओपन हो जाए फिर मैं शुरू कर दूंगा आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे पूछते रहिए ताकि कम्युनिकेशन बना रहे सॉरी फॉर डिले कि मैं uh, आप लोग का लेक्चर्स कॉन्स्टेंटली नहीं डाल पाया तो उसमें मेरा रीजन है आपके साइड से आप एफर्ट दे रहे थे ठीक है प्लेट बाउंड्रीज हाय 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 मीम गेमो आपका स्वागत है चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी तो अल्फ्रेड सर रियली लव योर लेक्चर थैंक यू मेम गेमर थैंक यू फॉर दैट नाइस वर्ड अल्फ्रेड वैग्नर प्रपोज दिस थेरी नाइनटीन फिफ्टीन उन्नीस सौ पंद्रह में जब वर्ल्ड वॉर चालू था फर्स्ट तभी इन्होंने थेरी प्रपोज कर दी थी पब्लिश इन अ बुक एन टाइटल्ड दरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन मतलब ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था ही प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया आप लोग को मालूम होना चाहिए हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे ट बिगेन ब्रेकिंग अबापार्ट अबाउट टू हंड्रेड मिलियन ईयर्स अगो एक बड़ा सा आज कैसे सेवन कॉन्टिनेंट है ना ये सबके सब एक साथ जुड़े हुए थे ये सातों कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे और उनसे बना हुआ था सुपर कॉन्टिनेंट जो सुपर से भी ऊपर था जिसका नाम था पैंजिया तो सेमी कंडक्टर क्लास इलेवन तब आएगा सेमीकंडक्टर ये फिजिक्स का है क्या सेमीकंडक्टर आपका चलिए तो देखिए ये पेंजिया ये सुपर कॉन्टिनेंट आप इसके अंदर सारे आप देख सकते हैं कि आपके सारे कॉन्टिनेंट हैं नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका साउथ अमेरिका अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक छोटा सा सब कॉन्टिनेंट और यूरेशियन प्लेट जिसके अंदर चाइना रशिया ये सब आ रहे हैं और यहाँ पे यूरोप्स हैं सारे तो ये देखिए इस तरह से आप पूरा कॉन्टिनेंट जो पहले आ, हम लोग आज जो साथ देख रहे हैं उसके पहले एक सुपर था ओके okay. तो अभी हमने फिजिक्स नहीं स्टार्ट किया गाइज मीमा गेमर हमने स्टार्ट नहीं किया लेकिन जैसा ही रिस्पांस आप लोग का बहुत लोग कार्य थे हम शुरू कर देंगे उसे इफ फर्दर गैदर्ड वेरियस एविडेंसेज टू प्रूव दैट कॉन्टिनें ड्रिफ्टेड टू प्रेजेंट प्रोजिशन ड्रिफ्टेड मतलब क्या देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि ये ना पहले एक जैसा था एक पूरा कॉन्टिनेंट था और एक पूरा समुद्र था बस लेकिन इसके बाद सब दूर दूर होते गए ड्रिफ्ट अवे हुए ठीक है ड्रिफ्ट अवे हुए ये इनका कहना था ये तो इसके लिए क्या किया इस भाई साहब ने खुद एविडेंस गैदर करना शुरू कर दिया इतना एक तो पहली बात तो सोचिए कोई जग में ऐसा काम क्यों करेगा लेकिन इनका इंटरेस्ट था

फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, पॉजिल सिमिलारिटीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, मैचिंग ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड रॉक टाइप स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेज पाँच चीज़ें मिली थी देखिए गाइस शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ अभी डिटेल में भी आएगा फिट ऑफ दान्टेंट मतलब क्या जो मार्जिन है ना गाइस देखिए ये मार्जिनस फिट होती हैं जैसे कि आप लीजिए कि ये एक ऐसा कुछ है और एक ऐसा है तो लगता है कि ये दोनों चिपके होंगे कि नहीं इस तरह से पहले ये बाद में अलग हो गए तो वैसे जो मार्जिन वो दिखते हैं कि फिट हो रहे हैं एक दूसरे दूसरा फॉजिल सिमिलैरिटीज समझिए ये जोन में जो फॉज़िल मिल रहे हैं अब ये सब अलग हो चुके हैं अफ्रीका अलग जा चुका है साउथ अफ्रीका अलग, अलग इंट्रेक्ट लेकिन आप जब जाओगे इसके इस कॉर्नर पे इसके इस कॉर्नर पे इसके इस कॉर्नर पे सेम फॉज़िल मिलेंगे फॉजिल मतलब जो धरती के नीचे जो दबे हुए फॉजिल्स हैं सेम मिलेंगे इतने दूरी में फिर इतने दूरी वाले ये लोग एक साथ जुड़े थे तो इनका सेम मिलेगा ये मैचिंग ऑफ माउंटेन रेंजेस माउंटेन ये ओल्ड माउंटेन तो इसी का पार्ट आपको यूरोप में कंटिन्यू मिलेगा जैसे कि समझिए तो, तो इसी माउंटेन ये आज नॉर्थ अमेरिका में तो इसका बचा हुआ पार्ट यूरोप में मिलेगा आप ठीक है गाइस और रॉक टाइप और स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज तो रॉक टाइप भी क्योंकि ये देखिए अलग हुए माउंटेन्स अलग हुए तो रॉक भी इसी तरह से सिमिलर हो जाएंगे और पांचवी जो चीज है पैलियो क्लाइमेटिक मतलब क्या ये जोन में जहां फॉजिल फूल हम लोग बोल रहे हैं उसी जोन में अगर देखें तो यहाँ का जो क्लाइमेट था वो आज ये सब जगह सेम था एक टाइम पे पहले मतलब पुराने जमाने से लेके आज तक हम लोग जो देख रहे तो आज हमको चेंज दिख रहा है सब कुछ क्योंकि आज लैटिट्यूड सबका अलग हो गया ना गा? इस वर्ल्ड मैप आप देखे रहेंगे आज इंडिया कहीं और है ऑस्ट्रेलिया कहीं और सबका लैटिट्यूड चेंज हो गया तो आज तो अलग है लेकिन जो पास्ट में इनका क्लाइमेट एक जगह क्योंकि ये सब एक साथ थे तो एक ही क्लाइमेट के अंदर ये लोग थे तो यहाँ पे सिमिलैरिटी थी जो अब अलग हो गई है तो जब खोद के अंदर गए तो पता चला अरे नहीं ये लोग सिमिलर थे ठीक है आप लोग कोई और डाउट हो कोई और डाउट चलिए हम चलते हैं ये देखिएगा इस फॉजिल तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये फॉजिल देखिए जो ये एनिमल है फॉजिल रिमेन्स ऑफ टाइनोगनाथस अट्राएसिक लैंड रेप्टाइल अप्रॉक्सीमेटली थ्री मिलियन अगो ये देखिए यहाँ पे सब पे सेम मिलेगा तो जो यहाँ पे फॉजिन मिला इतना अफ्रीका के पार्ट अरे साउथ अमेरिका का तो इतना अफ्रीका के पार्ट में आप साउथ अमेरिका आपको मालूम ना यहाँ आ चुका है और ये कुछ इस तरह से है ये ध्यान रखने वाली जी फिर इंडिया और इसमें कौन से मिलते थे लेस्ट्रोसोरस ये देखिए ठीक है यहाँ पे लेस्ट्रोसोरस हर जगह ऐसे एनिमल्स पाए गए तो उनके एविडेंस तो ऑल अक्रॉस दब कौन सा पाया गया ब्लास ऑफ फ्लास ऑफ टेरिस ये जो फ्लावर है फ्लौ ठीक है ये देखिए इस सब सारी चीज़ें आप लोग को एग्ज़ाम में आएंगी और ये जैसे पहले ये भी नहीं पता था हमको सब लोग अभी मेजो को लेके बोलते हैं लेकिन मेजोसोरस का बहुत रिम रिम ये बहुत कम है देखिए स्टार्ट मेजोजोरस से हुआ था लेकिन ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका का लेकिन हमको चाहिए कि इंडिया का एविडेंस चाहिए क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ाई कर रहे तो हम इसका नाम लेंगे ध्यान रखिए ये अपलाशियन माउंटेन्स के बारे में बोला था देखिए पहले एक साथ थे तो हमको यहाँ पे साथ में मिल रहे हैं कैलिडोनियन माउंटेन मेजर ऑब्जेक्शन माउंटेन्स यहां से, से वहां चले गए लेकिन क्या फोर्स क्या थी फोर्स कौन सी थी रीजन क्या थे कि ये लोग मूव हुए तो इन्होंने जो गाइज रीजन साइट किया था ना वो परफेक्ट नहीं था यह बोल रहे थे अर्थ और, और हमारे मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल है जबकि जो मेजर फैक्टर था आज पता चल चुका है कि ये सही बोल रहे थे उस टाइम पे रीज़न नहीं दे पाए तो बात अलग है रीज़न दिया था लेकिन वो फिट नहीं बैठा उस जो रियल रीजन है अर्थ के अंदर जो मैग्मा है ना वो मूव होता रहता है मैग्मा के वजह से प्लेट मूव होती है प्लेट टेक्टोनिक्स थियोरी इसके बाद आई चलिए चलिए चलते हैं चलते हैं है, आगे चलते हैं गाइस ब्रोक थ्रू द ओशन क्रस्ट मच लाइक आइस ब्रेकर्स कट थ्रू द आइस वॉज नॉट कन्विंसिंग कुछ आगे हमने यहाँ छोड़ uh, दिया वैगनर वैगनर सजेस्टेड ड्रिफ्ट थियरी सजेस्ट ब्रोक थ्रू ओशियन क्रस्ट मच लाइक आइस ब्रेकर्स कट थ्रू आइस वॉज

तो ये पोलार जो वेंडर नॉर्थ पोल समझिए यहाँ पे था से कुछ अब धीरे धीरे ना कनाडा की तरफ शिफ्ट हो रहा है अब रियल में यहाँ पे है ये शिफ्ट हो रहा है तो इसी के साथ साथ साउथ पोल भी शिफ्ट हो रहा है अगर ये वेस्टवर्ड जा रहा है तो साउथ पोल ईस्टवर्ड जा रहा है जी हाँ ये रियलिटी है तो ये एक हो गया और ओशियन फ्लोर का मैग्नेटिक एनामलिस जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था आप लोग को ये समझे बीच में से रिफ्ट है तो ये रिफ्ट में जहाँ से मैग्मा निकल रहा है ये माउंटेन बने प्लीज़ गाइज़ लास्ट लेक्चर देख लिया प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोलोगे सर आप रीज़न नहीं बता रहे वर्ड्स की मीनि ऑलरेडी डिस्कस कर दिया मैंने ठीक है तो ये देखिए ये एक पहल ये हमारा पहला माउंटेन ये दूसरा माउंटेन ये तीसरा माउंटेन इसी तरह से पहला माउंटेन दूसरा माउंटेन तीसरा माउंटेन तो पहले गाइज ये आया था तीसरे माउंटेन फिर इसके बाद दूसरे आए फिर पहला वाला अब ऐसे समझो नीचे से लावा और निकला तो फिर ये वाले भी और धक्का दे दिए जाएंगे और ये वाले भी धक्का दिए तो एना मतलब क्या इसके अंदर जो सॉलिडिफाई हो गया जो मैग्मा था तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो सेकेंड वाले से और फर्स्ट वाले से मैच नहीं खा ठीक है ये किससे मैच खाता है ये अभी समझिए जो रिसेंट वाला है वो रिसेंट पोलार जो मैग्नेटिक पोल है उससे मैच खाता है ना समझ गए गाइस क्योंकि जो रीसेंट निकला है ओशियन से लावा उसके अंदर जो रिसेंट मैग्नेटिक पोल है वही होगा और वही जाके जम जाता है सॉलिड हो जाता है तो बोलते अच्छा अब मैग्नेटिक मूवमेंट किसका आयरन होता है ना आयरन लावा के अंदर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट समझिए ये अभी करंट ऐसा है तो अभी जो भी लावा निकलेगा वो ऐसा ही दिखाएगा इसके पहले वाले ऐसे थे तो ये दूसरे वाले में ऐसे तीसरे वाले में ऐसा दिखा रहा है तो तीसरा वाला जो जो भी वर्थ पे जहाँ सब ऐसे रहेंगे क्योंकि वो उस टाइम का मैग्नेटिक मूवमेंट था आयरन का चलिए अब आएंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पे ये खत्म कर लेते हैं रिकॉर्ड्स फ्रॉम ओशियन फ्लोस एक्सप्लेन द ड्राइविंग मैकेनिज्म एंड मैकेज दिस एंड कम्पास द फाउंडेशन टू अनदर ग्रेट थियरी प्लेट टेक्टोनिक्स अब जब हम लोग ये हम लोग जैसे प्लेट बोल रहे हैं ना ये प्लेट की डेफिनेशन थी ही नहीं हमको क्या लग रहा था देखिए हमको अब तो लग रहा है अब पता है ना कि रियल में देखिए ये ऊपर से देख रहे हैं आप लोग ये इमेज को देखिए इमेज को क्लियर करता हूँ आप इसे ऊपर से देख रहे हैं ना ऊपर से ऐसे रखा है ऊपर से देख रहे हो तो सबको क्या लगा नीचे 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 एकदम धरती के कोर तक ऐसे अलग हो चुके हैं लेकिन ऐसा नहीं था सिर्फ ऊपर की लेयर द अर्थ कैसा है गाइस क्रस्ट है ना अर्थ का अर्थ क्रस्ट है ये अर्थ का कोर यहाँ पे तो ये अर्थ क्रस्ट है और इसमें ऐसे प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स मूव हो रहे हैं ये साउथ अमेरिका ना प्लेट है ये मूव हो रहा है अंदर से बहुत कुछ नहीं मूव हो रहा है अंदर से घूम रहे हैं घूम रहा है लेकिन यहाँ से वहाँ मैग्मा घूम रहा है और ऐसा जो विजिबल चीज़ है वो प्लेट्स में दिखता है ये थेरी बताई प्लेट टेक्टोनिक्स के वजह ठीक है यज्ञेश डोंगरे स्वागत है यज्ञेश डोंगरे जी आपका बोलिए कैसे हैं आपके हाल चाल ज न्यू टेक्नोलॉजी परमिटेड एक्सटेंसिव मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर पहले ओशियन फ्लोर पढ़ा गया था विच मेनली बेनिफिटेड दियो साइंस कम्युनिटी देंटल ड्रिप विद दाइंटिफिकेडवाइन एंड डी मैथ्यूज इंपॉर्टेंट नाइम है वुड्रो विल्सन का नाम जैसे कि हम लोग सोशोलॉजी यहाँ वहाँ पे लेते हैं जो अमेरिका प्रेसिडेंट है उस टाइम के मतलब उस जोन में थे इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन प्रेड वाइन और विल्सन भी थे ठीक है टूजो विल्सन था नाम का तो वुड्रो विल्सन बोलो टूजो विल्सन वो प्रेजिडेंट नहीं थे वो ऐसे रिसर्चर थे इन सब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लिए लिंक्ड डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स इन दिन क्रश नियर रिजेस टू हैज का लॉ था देखिएप्टी फ्लोर स्प्रेडिंग ने बताया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में कि सी फ्लोर कैसे स्प्रेड होता है ये मैं लास्ट लेक्चर में वापस बताया था और ये लोग ने उसी के हिसाब से प्लेट टेक्ट्रॉनिक्स की थे लिंक रिवील दैट द रिजेज वे स्प्रेडिंग एंड क्रिएटिंग न्यूक्रस्ट समझिए यहाँ पे पानी है ना पानी देखिए यहाँ पे बोलते हैं ये रिजेस क्या होते हैं ओशन के बीच में होते हैं बोलते हैं ये आप पानी है थोड़े दिनों में देखोगे यहाँ नया ओशन के फ्लोर पर नया लैंड का पार्ट आ जाएगा ये क्रिएट हो रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से एंड इफ डेटेड दे कैन फाइंड द रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग जी हाँ पता कर सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट समझिए फर्स्ट रॉक में इस तरह से मैंने बताया सीधा था थोड़े में ऐसा फिर ऐसा तो कितने कितने साल में क्या क्या है, तो इसका नेक्स्ट ईयर में ऐसा होगा फिर ऐसा होगा तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना कितने कितने सालों में कैसे कैसे चेंज हो रहा है दीज रेट्स ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग आर एक्यूरेट टू ड्रिफ्टिंग ऑफ एडज कॉन्टिनेंट अगर इसी हिसाब से देखिए तो क्या बोलेंगे देखिए तो मैं क्लियर करता हूँ इस एक सेकेंड मुझे समय दीजिए तब तक आप लोग अपना कमेंट लिखिए ठीक है आप लोग अपना कमेंट लिख दीजिए तब कैसा लगा अभी तक बताइए अब मैं आपको बताऊंगा देखिए कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कैसे हुए रहेंगे कितने साल पहले हुए रहेंगे बता सकते हम लोग बहुत ईजी है समझिए ये दो कॉन्टिनेंट का टुकड़ा है ये कॉन्टिनेंट के टुकड़े एक सेकेंड कलर चूज एक ये है और दूसरा ये है अब ये धरती के ऊपर ऊपर से देख रहे हैं देखने ये क्रस्ट है नीचे से मैग्मा घूम रहा है तो ये क्या होंगे ये दूर जाएंगे दूर, जाएं। तो दूर जाने की लय देखिए कैसे लोग दूर जाएंगे तो इनके लिए साइड बाय साइड एक डायग्राम बनाता हूं कि नीचे से मैग्मा ऊपर आएगा और यहां पर छोटू सा माउंटेन बना देगा तो ये वाला यहाँ चला, और चला गया और बीच में जगह खाली तो पानी भरता जाएगा। क्योंकि होता रहता है ना इससे ओशियन फ्लोर बने इस तरह से क्योंकि पहले अब आप लोग समझ रहे धरती एक क्या थी गोला सॉलिड सॉलिड थी उसमें पानी कैसे आया गैसेज निकले गैसेज ने बारसात की लेकिन नीचे से वोलैन भी निकल रहे तो देखिए हम पेंजिया के आगे के बात करें अब देखिए ये हो गया अब फर्दर क्या हुआ नीचे से ये कौन रोटेट कर रहा है आयरन मैग्मा रोटेट कर रहा है फिर से ये क्या होगा नीचे से मैग्मा निकलेगा और इनको फिर से लेफ्ट और राइट में धक्का देगा अब ये कैसा हो जाएगा लेफ्ट में और चला गया लेफ्ट में ये करंटली इस तरह से हो गया एक सेकेंड ये इस तरह से हो गया और हमारा ऑरेंज वाला कुछ इस तरह से अब दो माउंटेन क्रिएट हो गए एक ये हमारा नया वाला और एक ओरिजिनल वाला थर्ड स्टेज पे लेके जाता हूँ फिर ये लोग और दूर होते जाएंगे क्योंकि नीचे से मैग्मा फिर आएगा अब नीचे से मैग्मा फिर आएगा फिर से हमारा ऑरेंज वाला राइट में रह जाएगा और हमारा लेफ्ट वाला और दूर होगा यहाँ पे गाइस पहले तीन दो माउंटेन थे अब देखना यहाँ पे तीन माउंटेन हो जाएंगे ये हमारे पुराने सबसे पुराना वाला इधर उससे नया वाला इधर सबसे नया वाला इधर सेम यहाँ पे राइट साइड में भी और यहाँ पे फिर से वेंट यहाँ से मैग्मा आता रहेगा तो बताइए सबसे जूना वाला ये है उससे नए वाले ये हैं और सबसे नए वाले ये हैं तो हम लोग एज कैलकुलेट क्योंकि समझे इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरह से इसके अंदर इस तरह से इसके अंदर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कि कितने साल पहले ये लोग हो तो ये पाए कि जो वैगनर की थियोरी थी कि इतने साल पहले एज कैलकुलेट करें तो सही बैठे ठीक है।, है इस तरह से कॉन्टिनेंट अपार्ट होते हैं। और आज का समुंदर के नीचे आप देखोगे ओशन के नीचे तो इस तरह से दिखाई देता है लैंड पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं मस्ती कर रहे हैं फेस्टिवल मनाते हैं इंजॉय करते हैं कैसा लगा बताइए दोस्तों कैसा लगा चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर इन दस नेक्स्ट डायग्राम में ये देखिएनिक क्रस्ट लिथोस्फीयर का देखिए कैसे लिथोस्फीयर में हम लोग सब बेसिक कर चुके हैं क्लियर मैग्नेटिक प्रोफाइल और प्रोफाइल ये सब हम लोग देखे अभी मैं आप लोग को ये सब सारी चीज़ें यही बताया मैं आप लोग को कि कैसे कर रहे हैं ईजी तरीके से बताए ठीक है मेन गेम वही है प्लेट्स आर वेल डिफाइंड बाय बेल्ट ऑफ थिजमोसिटी लीनियर पैटर्न ऑफ अर्थ अर्थ क्वेक्स आर जनरेटेड एज द प्लेट इंटरैक्ट दस ऑल द्लेट्स ऑन द ग्लोब आर इंटरक्टिंग विद ईच अदर जी हाँ तो हर जगह से मतलब क्या रहता है प्लेट्स अलग हुए हैं तो वहाँ पे जनरली जो साइड्स ऑफ प्लेट देखिए प्लेट टूटते भी है गाइज देखिए प्लेट टूटते भी हैं और जुड़ते भी हैं तो जुड़ने वाले साइड पे भी और टूटने वाले साइड पे भी अर्थक्वेक आते हैं तो ये एक एविडेंस गिर जाता है कि देखिए यहाँ पर भी अर्थक्वेक है ये साइड में तो ये साइड में भी है तो मतलब जुड़े होंगे तो हम क्या कर रहे हैं गाइज आप बोलोगे गा ये एक 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 चीज़ लेके एविडेंस गैदर करते यानी कि ये चीज़ें कितनी सच हैं पॉजिटिव फ्यूल इसी तरह से रॉक्स माउंटेंस पैलियो क्लाइमेट ये सब सारी चीज़ें और उसके बाद ओशन फ्लोर का बनना उसके नीचे के माउंटेंस दिखना उनकी एज पता करना ये सब चीज़ें हमको एक ही चीज़ की लेके एक ही चीज़ की तरफ ले जा रही है दैट इज़ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं हमको यहाँ पे सरफेस पे आपको ये दिखता है और ये दूर जा रहे हैं लेकिन नीचे क्या हो रहा है ये हमको पता नहीं था तो ये प्लेट्स इतने मोटे हैं यही दूर दूर जा रहे हैं तो ये सब एविडेंस हैं ठीक है तो आप उसी का एक डायग्राम यहाँ पे देखिए ये अब ये सब क्या है देखिए ये जो कोशिया प्लेट हुआ गाइज नास्का प्लेट हुआ कोकोस प्लेट हुआ जुआन दिफुका फूका प्लेट हुआ फिलीपीन प्लेट हुआ ये सब माइनर प्लेट हैं माइनर छोटू से प्लेट हैं ये एग्ज़ाम में बहुत परेशान यही क्वेश्चन पूछते हैं स्कोशिया प्लेट कहाँ या स्कोटिया प्लेस कहाँ अरे प्लेट कहाँ पे ये पूछेंगे माय मेजर प्लेट कितने वो भी ये देख लीजिए कि यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रियन क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए थे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट और यहां पे अंटार्कटिक और ओशियन में सबसे बड़ा है हमारा पैसिफिक एक ही ओशियन का नाम ध्यान रखना आप लोगों को पैसिफिक प्लेट हो गया ठीक है करीबियन नाम कहाँ से है क्योंकि करीबियन जमाइकन प्लेयर आप लोग जानते हो फुटबॉल फुटबॉ हमारे क्रिकेट खेलते हैं तो करीबियन यहां पे है वेस्ट इंडीज जो बोलते हैं तो माइनर प्लेट आपको बता दिया जो बड़े लेटेस्ट में वो मेजर प्लेट है तो ये याद कर लीजिए अब प्लेट बाउंड्रीज गाइज ऑल द मेजर इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल प्लेट अकर्स ऑन देयर बाउंड्री दैट आर क्लासीफाइड इन टू डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री दैट इज़ कन्जर्वेटिव मार्जिन ये हम लोग डिस्कस करेंगे देखेंगे कि इसके ये प्लेट्स के यहाँ पे ऐसे अटैच रहती हैं थोड़ी सी वो अलग चीज़ है लेकिन वो भी डिस्कस करेंगे मेन जो हमको समझने लायक है डाइवर्जन प्लेट डिवाइड हो रहे हैं और कन्वर्जन मतलब प्लेट मिल रहे हैं तो प्लेट मिल रहे, तो रहे देखिए गाइट पहले ये प्लेट इतना था ठीक है अब ये प्लेट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर आए ये देखिए दो प्लेट थे जुड़ रहे हैं देखिए ये पहले इतना बड़ा था प्लेट अब इतूसा हो गया तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ कि डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हुआ इसलिए डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बोल गया ये देखिए कन्वर्जेंट वाले को डिस्ट कन्वर्जेंट मतलब मिलना डाइवर्जेंट मतलब देखिए अब ये एक प्लेट अब देखिए दूर जाएंगे प्लेट का साइज़ बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसलिए इसे नया प्लेट बना इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव ये देखिए कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री नया बाउंड्री बन गया मार्जिन बोलते हैं ईजी टू अंडरस्टैंड ठीक है कंजर्वेटिव मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं होते इंपॉर्टेंट ये भी बता दूंगा मैं Each plate is bounded by combination of three types of boundaries and new plate boundaries can be क्योंकि तो ये दूर जाएंगे तो ये नज़दीक आएंगे तो नया नया बाउंड्री क्रिएट हो रहा है ना अब ये जो गाइज है divergent प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंट और transform बाउंड्रीज ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके बारे में देखिए डायग्राम जो आप देख रहे हो मैं ये बता दिया ना आपको जो ये इमेज मैंने यूज़ किया यही बताने के लिए किया कि एक प्लेट है कैसे ये टूटता है और कैसे बनता है ये देखिए गाइस यहाँ पे कॉन्टिनेंट क्रस्ट था धरती आग का गोला थी पहले तो देखिए पूरा कॉन्टिनेंट था अप वॉटिंग अपवापिंग मतलब गैसेस बाहर निकली यहाँ से देखिए ये देखिए तो गैसेस बाहर निकली तो पहले यहाँ पे देखिए दरार इसको दूर कर दी ये देखिए दूर जाता दिख रहा है दूर जाता देखा तो देखिए लीनियर सी अकेली सी आई ये देखिए पानी भर गया इसमें मैंने पानी भरा था ना आप लोग के लिए अब ये देखिए यहाँ पे और दूर गया कॉन्टिनेंट कितना दूर पहले यहाँ पे था मार्जिन मार्जिन आज देखिए कहाँ पे आ गया अब ये नया वाला अब इसमें पूछते हैं कि कॉन्टिनेंट ओल्ड है कि ओशियन ओल्ड है तो देखिए ओशियन तो अभी बना ना तो ओशियन न्यू है कॉन्टिनेंट ही ओल्ड प्लेट्स है डेंस कौन है ओशियन वाले क्योंकि नीचे वो इजी ईजी इजी, इजी टू ये देखिए माउंटेन्स दिख रहे हैं चुट्टू चुट्टू से ये दिख रहे हैं चुट्टू चुट्टू से ये दिख रहा है यही बनाया हूँ मैं और ध्यान रखना हमेशा इवेंट रहता है समझिए यहाँ पे मतलब इवेंट नंबर ही रहती है यहाँ पे समझिए दो तीन चार है तो इस साइड भी चार ही रहेगा ये सब थोड़े ट्रिक क्वेश्चन है जो लोग पूछ देते हैं कि नम जो रहता है बच्चे बेचारे कन्फ्यूज होते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है और कुछ नहीं गाइज ये डायग्राम पूछते हैं वो लोग ठीक है टीचर्स का बताने का एक जिम्मेदारी होता है कि बताना होता है कि हाँ तो ये गाइस कौन सा एग्जाम्पल हुआ डाइवर्जेंट का कन्वर्जेंट का देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब बताया था ये सब सारी चीज़ें लेकिन फिर से बताऊंगा आप लोग को इन डिटेल में सिर्फ बने रहना नेक्स्ट लेक्चर तक और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में से शेयर करना और सपोर्ट बनाए रखना चलो गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कैसा लगा वीडियो बताना जरूर मैं वीडियो के साथ आते रहूँगा और कोशिश करूँगा चैप्टर आपके खत्म करें की गाइज़ आप लोगों को डरने की बात नहीं है देखिए इसके बाद जो चैप्टर जो थोड़ा टफ़ है ना वो सेकेंड वाला है मैं ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूँ सॉरी सेकेंड वाला चैप्टर जो है वो टफ है वो उसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं इंटरेस्टिंग भी रहेगा लेकिन रॉक्स के नाम कोई याद नहीं करना चाहता लेकिन आप लोग को देखिए ये सब है ये सब करना ही पड़ेगा सबसे बड़ा जो जान खाता है यही चीज़ खाता है लेकिन मैं टेबल बता दूंगा आप लोगों को टेबल ही बार बार रटना है रटना है रटना है उसको कर लेंगे हम लोग फिर उसके बाद सब डायग्राम्स के पार्ट गाइस देखिए आपके बहुत सारी चीज़ें ना डायग्राम से रिलेटेड है ठीक है ये देखिए जब भी आप खोलोगे डायग्राम्स भर भर के रहेंगे आपके बुक में तो आप बुक भले बड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें डायग्राम्स बहुत ये देखिए हर एक चीज़ को समझाने के लिए डायग्राम्स का यूज़ किया गया है इसलिए आपका जो फाइल का साइज भी बहुत बड़ा है तो डरने देखिए ये जै ऐसी कैसी कैसे एरा बोलते हैं हम लोग ये सब मैं एक लेक्चर में बता दूंगा पहर, इस चैप्टर का भी बाकी है वो सब मैं बता दूंगा आप लोग को ठीक है चलिए तो बने रहिए मैं चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा खुद मेरा भी इंटरेस्ट इसको पढ़ाने में बहुत रहता है मैं सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहता हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को शेयर कर देना जैसे आप लोग को लगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस टिल देन बाय बाय हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा